हाय, आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। जैसे कि हम पिछले कई वीडियोस में बात करते रहे हैं एक्सेल के नए तरह के चार्ट्स की, तो आज हम कुछ इसी तरह का चार्ट करेंगे, देखेंगे कि जैसे ये आपके सामने चार्ट है, दिस इज़ बेसिकली अ परसेंटेज चार्ट। एक स्लाइडर के थ्रू जो वैल्यू देंगे हम, वो अपने आप जो होगी वो चेंज होगी। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसकी जगह ये वैल्यू देता हूँ तो वो अपने आप आगे स्लाइड करेगा, और अगर वैल्यू कम दूंगा तो पीछे की तरफ स्लाइड करेगा। कुछ इस तरह से। तो आइए देखते हैं कि ये स्लाइडर इंडिकेटर या परसेंटेज इंडिकेटर जो है वो कैसे काम करेगा। तो इस तरह का चार्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक नई शीट ले लेते हैं, उस शीट पर ट्राई करते हैं। ये मैं नई शीट लेता हूँ एंड यहाँ पर एक सीरीज़ बना लेते हैं। बेसिकली क्या है कि वहाँ पर हमको पांच स्लाइड्स जैसे यहाँ पे दिख रही हैं, 1, 2, 3, 4, 5, बेसिकली 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80 एंड 80 to 100, तो टोटल 5। तो कुछ इसी तरह का यहाँ पर भी हम बनाएंगे। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 3, 4, 5 ये ले लेता हूँ, एक ज़्यादा हो गया, ऐसे ले लेता हूँ, और इसके साथ एक ब्लैंक सीरीज भी ले लेता हूँ, एक इसी को लेके हम बनाते हैं। इंसर्ट में आकर अब यहाँ पर आकर हम दिस वन स्टैक बार चार्ट लेते हैं और डाटा को थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं, मतलब स्विच कर देते हैं, तो ये मेरे पास सीरीज आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें से मेरे को जो है वो मेरे को ग्रिड लाइंस नहीं चाहिए, हाँ अभी एक्सिस चाहिए। एक्सिस को मैं थोड़ा मॉडिफाई कर लूँ, उसके बाद फिर एक्सिस भी हटा देंगे। तो फॉर्मेट एक्सिस में आके अभी जो ये सीरीज़ है जो ज़ीरो से जा रही है, इसको मैं 0 to 100 कर देता हूँ। तो अब मेरे जो स्लाइसेस हैं, यू कैन से पास पास हैं, अब मैं चाहूँ तो एक्सिस ये वाली हटा सकता हूँ इसमें से, दिस वन आई डोंट वांट। इसी तरह से मैं इसको थोड़ा छोटा भी कर लेता हूँ और थोड़ा बड़ा भी कर लेते हैं, ऐसे खींच के कुछ इस तरह से, और इसमें थोड़ा सा हम 3D इफेक्ट भी देते हैं। Like this, 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 and इसको भी 3D कर देते हैं। तो near about जो हमारा first step है वो पूरा होता है। अब हमें चाहिए indicator। तो indicator के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक और सीरीज़ बनाता हूँ, यहाँ ले लेते हैं इसको इंडिकेटर, और उस इंडिकेटर की मैं कुछ वैल्यू भी देता हूँ ताकि जब वो स्लाइड हो तो पता रहे हमको कि वो कितना स्लाइड हो रहा है। तो जैसे कि हम पिछले चार्ट्स में करते रहे हैं कि हमने, अगर हमको कुछ चाहिए तो जो सीरीज़ है उसमें हम कुछ ऐड कर देते हैं। तो मैं ऐड करता हूँ, ऐड क्या करना है मेरे को, इंडिकेटर करना है, और इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू ये है। तो ये मैंने ऐड कर दिया। अब सीरीज़ बेसिकली
यहाँ नज़र नहीं आ रही है, तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। एंड जो मैंने इंडिकेटर लिया है इसको मैं स्टैक बार ले लेता हूँ। ये देखिए ये आ गया यहाँ पे स्टैक बार मेरे पास। अब अगर इसको हम थोड़ा सा इधर ले आए, मींस बीच में इसकी वैल्यू के पर, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, फिर से सेलेक्ट डाटा में जाता हूँ एंड इंडिकेटर जो है इसको लेके मैं एडिट करता हूँ। तो एडिट क्या करना है मेरे को, मेरे को इस सीरीज़ की जगह इसको कोई वैल्यू दे देनी है एंड वाई सीरीज़ में मेरे को इसकी एक्चुअल वैल्यू चाहिए। तो ये देखिए ये आ गया सेंटर में, बस मेरा इंडिकेटर भी तैयार है। अब इंडिकेटर सिंबल बनाना है। इंडिकेटर सिंबल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, टेक्स्ट बॉक्स में आते हैं एंड इंसर्ट में जाकर सिंबल में जाकर कोई फॉन्ट ले लेते हैं, वेबडिंग्स। इसके अंदर आप बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, ज़रूरी नहीं कि ये इंडिकेटर लें, आप चाहें तो अपने हिसाब से दूसरा इंडिकेटर भी ले सकते हैं। इसको थोड़ा बड़ा करते हैं कुछ इस तरह से और इसको कॉपी कर लेता हूँ, सिंपल कॉपी। एंड अपना जो ये वाला है इसको पेस्ट करके सिंपल कंट्रोल वी कर देता हूँ। ये मेरा इंडिकेटर आ गया, दैट्स इट। अब हमको इस इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है, हम चाहें तो इसको हटा सकते हैं यहाँ से। अब वैल्यू भी दिखानी है, तो वैल्यू के लिए मैं इसका डाटा लेबल ऑन करता हूँ, और ये तो 0.5 दिखा रहा है और इसकी वैल्यू तो 45%, तो हम इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। पहले इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, बोल्ड कर लेते हैं, मैं चाहूँ तो इसका फॉन्ट चेंज करना चाहूँ फॉन्ट चेंज करूँ। अब वैल्यू, वैल्यू के लिए क्या है, आप इस पर क्लिक कीजिए, इसको सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर आइए फार्मूला में बारे में आके इक्वल टू दिस सेल रेफरेंस, दैट्स इट, एंड एंटर कर दीजिए। ये आ गया। अब इसकी अगर वैल्यू हम चेंज करेंगे तो वो अपने आप स्लाइड करेगा। अगर मैं इसकी वैल्यू ये दे देता हूँ तो ये देखिए ये आ गया। अब अगर इसकी वैल्यू ये दे देते हैं तो वो इस तरह से आ जाएगा। तो बस यही है इस ग्राफ का ऑप्शंस कि कैसे हम एक बहुत इजीली एक सीरीज से हम सिंपल सा स्लाइडिंग ग्राफ या इंडिकेटर ग्राफ बना सकते हैं, जो ये इंडिकेट करता है कि जैसे जैसे वैल्यू चेंज होगी वो स्लाइड करेगा। इसको और थोड़ा बढ़िया बनाने के लिए आप चाहे तो यहाँ पे लिस्ट बना सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बनाई हुई थी। लिस्ट से वैल्यू डाल दीजिए और जो वैल्यू हो, ताकि यूज़र जो है वो सिर्फ यही वैल्यू ले सके और वही वैल्यू जो है वो आप स्लाइड में ले। तो आप इसमें बहुत कुछ जो है वो अपने आप मॉडिफाई कर सकते हैं। अब इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस क्राफ्ट को। एंड और किसी ग्राफ के साथ या और किसी सॉल्यूशंस के साथ हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।